शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलने का प्रावधान है। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधा मिलने का भी प्रावधान है, लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय डगडगिया में बच्चों को शौचालय, खेल ग्राउंड, बाउंड्री जैसी मूलभूत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं बसंती सोरेन और ये है मेरा समुदाय। यहाँ मात्र हम लोग 2 टीचर हैं, नामांकित बच्चे 60 है और उपस्थिति 46-47। हम कोशिश कर रहे हैं कि 90-95% तक उपस्थिति दर्ज हो। यहाँ गांव के लोग भी बहुत हद तक जागरूक हुए हैं, यही कारण है कि बच्चे भी आज एकदम अपने स्कूल के समय पर सिर्फ विद्यालय में नज़र आते हैं। किचन सेट भी है, सारा चीज़ उपलब्ध है। सर, शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय आधा अधूरा है सर। और यहाँ बाउंड्री के लिए कोई? बाउंड्री का प्रस्ताव हम लोग दिए हुए हैं और प्रोजेक्ट भी गया है, लेकिन पैसा के अभाव के चलते बाउंड्री का व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो बाउंड्री हो जाए तो और बहुत अच्छा, बेहतर स्थिति में रहता, क्योंकि बाउंड्री होने के बाद में बच्चे भी सुरक्षित और साथ साथ और भी अन्य काम, जैसे बच्चे लोग के लिए बागवानी। ड्रेस के मामले में ऐसा है कि हमारा 62 अगला साल नामांकन था और BRC की गलती से हमारा 26 बच्चा का ड्रेस आया। एक बच्चे पर 2 ड्रेस देती है, लेकिन 26 बच्चा में ही एक को करके ये 52 बच्चा को हम ड्रेस दे पाए। शौचालय ना गया बाथरूम बनवा तो कार पे चला बाथरूम लगी उनते सर से है तो दिक्कत दो ना गिवना तली अलिन तो दा मतलब तार पर आजे कान तले या ना तो ओका कोन दाबे ना गया लेतार दो चप्पा काल खोए के पहिल कुइरा पूरा आजे एन मध्याह्न भोजन यहाँ प्रत्येक दिन बनता है, मगर यहाँ थोड़ा सा मुख्यता ये होता है कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिस वजह से वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1.5-2 साल के बच्चे, वो बच्चे भी स्कूल आते हैं। हमारा नामांकन में 60 बच्चे हमारे स्कूल में नामांकित थे, मगर यहाँ प्रत्येक दिन 45-50 बच्चे आते हैं, उसके अलावा 15 बच्चे एक्स्ट्रा आते हैं, जो बच्चे माँ की मतलब जिसका नामांकन यहाँ है ही नहीं, और उन बच्चों का भी हमें मध्याह्न भोजन देना पड़ता है, जिसके वजह से महीने के अंत तक आते आते चावल खत्म हो जाती है। और यह चापाकल जो है जो यूज हो रहा है फरवरी में जो पानी भी रहता है, वो पानी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, जिस वजह से बच्चों का दांत पीला हो जाता है। हम लोग भी जब इस पानी को पीते या कुल्ली करते तो हम लोग का भी दांत ये पीला हो गया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ सके। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि प्रखंड मांडू के BO अनिल सिन्हा को उनके मोबाइल नंबर 8002209018 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।